हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड हैप्पी होली है आज, बड़ी वाली होली है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हैप्पी होली। होली की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं एंड अपने जीवन से बुराई का अंत करो और अच्छी चीज़ों को अपनाओ लाइफ में। और अभी हम पी रहे हैं मॉर्निंग की ब्लैक कॉफ़ी, और कलर से थोड़ा मेरे फेस पे हो गया रिएक्शन, मुझे ऐसे लग रहा है। मगर आप ऐसा ना कर ले। तो चलो अभी मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बनेगा, होली स्पेशल ब्रेकफास्ट। और उसके बाद हम खेलेंगे होली, खून की होली। नहीं, रंगों की होली, प्यारी होली। खून की होली खेलेंगे। नहीं नहीं, रंगों की होली खेलेंगे। तो दिशु, क्या बना रहे हो आप? अभी मैं बना रही हूँ कस्टर्ड, होली स्पेशल। वाह, आप देख सकते हो हमारे पास फ्रूट्स बहुत ज्यादा नहीं है, और अभी मैं इनको दुकान भी नहीं बेचूंगी क्योंकि कलर लगा रहे हैं लोग एक दूसरे को। तो अभी ड्राई फ्रूट्स हैं और साथ में स्ट्रॉबेरी है एंड साथ में बनाना है, यही बहुत है। और ये ड्राई फ्रूट्स हैं, यहाँ पे इतने ही बहुत है ना जी। और ये मैं कट कर रही हूँ। और आपको मैं दिखा दूँ, मैं ये मतलब ना स्ट्रॉबेरी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों, खट्टी मीठी होती है। और ये कल रात को बोल रहा हूँ खट्टी है, बड़े 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 खट्टी कहाँ थी, बड़े बड़े खट्टी क्या? नहीं नहीं, बहुत नहीं थी लेकिन अच्छी थी। ऐसी होती है ना, इसको अगर आप साल्ट सूल्ट के साथ खाओ ना, जैसे चाट मसाले के साथ, तब ये रियल फ्लेवर देती है। जैसे पाइन एप्पल होता है जी, जी। नमक के साथ अपना रियल फ्लेवर देता है। तो एक मैं पूरा डब्बा डाल दूंगी इसमें, एक डब्बा हमने रात को खा लिया था। और साथ में मम्मी ने जो बबरू बनाए थे स्पेशली, जो भेजे हैं वो बबरू है इधर होली स्पेशल के लिए, इसलिए मैं ज़्यादा स्पेशल कुछ बना नहीं रही हूँ, क्योंकि बबरू से ज़्यादा स्पेशल तो कुछ हो नहीं सकता। सही बात है, मेहनत भी लगती है इसको बनाने में। तो दूध भी इधर उबल रहा है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उबलने वाला है। मैं तब तक ये कर लूंगी, उसके बाद फिर, क्योंकि ये भी जरूरी है ना, साथ के साथ ही कर लो। अगर वो बन गया तो फिर अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत सुंदर। मेरे को सारे डब्बों की स्ट्रॉबेरीज चेक करनी पड़ेंगी, बीच में कोई खराब ना हो, एक खराब नहीं पड़ी अभी। एक खराब होगी ना तो फिर दो तीन खराब हो जाएंगे जी। आप बताओ आपको कैसा लगेगा जब कस्टर्ड खाओ, कैसा लगेगा आपको? बहुत अच्छा, क्योंकि मैं काफी टाइम से बोल रही हूँ कस्टर्ड बनाना, कस्टर्ड बनाना। मौका नहीं मिला, खड़ा हुआ है। चलते रहे अच्छा डब्बा उठाया आपने, नहीं तो ये और सड़ जाना था। थैंक यू। तो भी मेरा कस्टर्ड जो है बन चुका है, तो इसमें मैंने ये डाल दिए फ्रूट्स एंड मेरे पास छोटा कोई पतीला मुझे नहीं दिख रहा, तो फिर मैं डालूंगी। Thank you.
ड्राई फ्रूट्स चाहिए। थोड़े से और इसमें फ्रूट डाल देते हैं, है ना, क्योंकि ये ज्यादा लग रहा है मुझे, ज्यादा ही बन गया हमसे, कुछ देना भी है ना मतलब, इसलिए ज्यादा। उसको सब फ्रीज रख देंगे फ्रीज होने के लिए थोड़ी देर के लिए, उसके बाद हमारा कस्टर्ड जो है वो रेडी है, बट उससे पहले इसमें बनाना मुझे ऐड करने हैं। रोटी टिक्की बना रही है चटनी, और जिसको शुरू हो चुकी है क्योंकि प्याज का आज वहाँ समय लग गया है, प्याज देख सकते हैं आप लोग कितना प्याज काटा हुआ है, धनिया की चटनी। एंड धनिया मैं एक्चुअली ज्यादा लेके आ गई थी तो धनिया की चटनी। रो मत कोई नहीं, और ये मैं बना रही हूँ चिल्ला बना रही, तो चिल्ले के लिए मैंने मतलब काट दिया प्याज टमाटर और मिर्ची, और साथ में थोड़ा सा धनिया भी डालूंगी, और ये चटनी है मेरी। वाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इससे, मैं इसको निकाल लेती हूँ किसी बर्तन में, मसाले वगैरह डालती हूँ। तो गाइस अभी बनने जा रहा है चिल्ला स्पेशल, अभी बेसन को घोलते हैं ऋषु, और साथ में ये आपको बताते हैं। तो अभी मसाले ऐड कर रहे हैं, इसमें गांठे सी बन जाती है अगर हाथ से ना करो, मैं अगर करूँ देख सकते हैं आप लोग चिल्ला। बहुत ही डिलीशियस ब्रेकफास्ट है ये, और हेल्दी भी है, हेल्दी भी, और इंग्रेडिएंट्स देखिए आप कितने अच्छे लग रहे हैं मतलब इसमें। तो गाइस चिल्ले बन चुके हैं, ये देख सकते हैं आप लोग डिलीशियस चिल्ला बन रहे हैं यार, अभी और भी बनेंगे। हाँ अभी और बनेंगे दोस्तों, और ये देखिए मजा आ रहा है, और साथ में क्या लेंगे हम, चाय, और साथ में है मैं थोड़ी फ्रीजर में रख दी ताकि थोड़ी ठंडी हो जाए, अभी अच्छी हो गई है चटनी, डिलीशियस चटनी, धनिया की चटनी, धनिया प्याज टमाटर हरी मिर्च अदरक लहसुन, और उसके बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, नींबू है, आमचूर है, बहुत मसाले हैं, तो ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, और जानते हैं रिव्यू। लो बिगलू जी और बताओ, मम्मी ने बनाया बबलू, मम्मी ने कीजिए स्वाद दीजिए।
चिल्ला भी टेस्ट करके बताइए कैसा आना है, और आगे टिशू का भी रिव्यू जानते हैं चिल्ले में, और साथ में डिलीशियस चटनी। बढ़िया है, चाय बढ़िया है। और चाय चाय कैसी बनी? चाय अच्छी बनी है, कल वाली में नहीं था, कल वाली में चीनी नहीं डाली थी मुझसे ना, आज वाली में थोड़ी सी कम है, आज दिशु ने बनाई है। बहुत टेस्टी, आज जल्दी आओ। चटनी बढ़िया, चटनी कैसी लगी साहब आपको? बढ़िया है चटनी, है बढ़िया, सबसे सबसे बढ़िया, ये नहीं बढ़िया चिल्ला, ये बढ़िया है सबसे बढ़िया। अच्छा चाय भी नहीं है बढ़िया, बबरू सबसे बढ़िया चटनी, मेरे ख्याल से लड़कू चटनी आप मिट्टू का भी जानते हैं। वाओ बहुत मस्त बबरू, आपने पहले भी खाया है लेकिन रिव्यू नहीं दिए ना मैंने। अच्छा स्पेशल होली के लिए मैंने बचा के रखे थे, इन लोग होली के लिए बनवाए थे। ऑसम यार सच में, चटनी तो बहुत मस्त है, चिल्ला तो मस्त है। मतलब अपनी तारीफ करवा ली मैंने, अभी बहुत अच्छा लगेगा मुझे खाना खाते हुए, मैं भी खा लेती हूँ खाना। गाइस आप भी आ जाओ जल्दी से, हैप्पी होली का स्पेशल ब्रेकफास्ट। अच्छा लगा स्पेशल ब्रेकफास्ट? अच्छा लगा बहुत मस्त। तो अभी मैं लेके जा रही हूँ अपने पड़ोसियों के लिए, हम आंटी के लिए मतलब, और ऊपर जो रहते हैं उनके लिए, ये मतलब जो बबरू मम्मी ने भेजे और साथ में मैंने कस्टर्ड बनाया है वो मैं जा रही हूँ लेके। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे, और मैंने इसे कुछ ढका नहीं है क्योंकि नीचे तक ही जाना है, इतना अच्छा ठंडा नहीं हुआ है वैसे भी। आंटी जी दरवाजा खोलो, हैप्पी होली। और आप देख सकते हैं पूड़ियां कटोरियां खाली हो चुकी है, थालियां की थालियां खाली हो चुकी है। वैसे कैसा लग रहा है तुझे खाना, कैसा बना है? स्वादिष्ट, आपने नहीं बनाया ना अभी, हमारा हो गया, आपने मेरे को खिलाया नहीं ना अभी। क्यों तू आती है, तेरे को आवाज लगानी पड़ती है 50 तब तू सुनती। आज का तो मैं स्पेशल तुम्हारे डिश लेके आई हूँ ना, वो वाली ट्राई करना। मुझे अभी तक आंटी के पास दे दी, आंटी खुद देंगे ना तुमको। और कस्टर्ड मैंने अभी बनाया था, बबरू मैं घर से लेके आया था। खाते तो बड़ा है ना, बस रहने दे ये खा लिया तूने, अब खाते हुए दिखा रहे हो आप, सुंदर लग रही तो खाते हो। मैं ये बता रही हूँ ना, ये बोल रही है मैं, क्योंकि आपने तो अभी कुछ खिलाया नहीं मेरे को, खाती तो बहुत है, जैसे कि याद है ला के देखो खाऊं, याद है लास्ट टाइम की दीदी अब नहीं खाए और बस कर तो वही तो मैं बोल रही हूँ, बस कर फिर, क्यों ऐसे बड़ी बन रही है तू कि मैं तो बहुत खाती हूँ। तो जब दो दो बार इंसान खाना खा ले तो दूसरी बार में तो कम ही खाएगा। देखो गाइस अच्छा खा ले आराम से। तो अभी मैंने जिस गाने बंद किए थे, हम गाने लगा के नाच रहे थे, ये मेरी दोस्त पहुंच चुकी है इधर, कल्पना हैप्पी होली, आजा ये फोन पे बात कर रही है, पता नहीं किसने बात कर रही है। तो अभी हम गाने लगा के डांस करेंगे, लगाओ गाने यार।
होली खेल के आ चुके हैं। कल्पना इधर देख, और ना पूरे स्किन पे ना एलर्जी सी हो गई है। आज हम असली वाले भूत लगते हैं। अभी थोड़ी देर में मैं फेस धोके भी ये वाली फोटो मैं अपने रिश्ते जहाँ पे रिश्ता होगा उसको भेजूंगी। तो होली पे ऐसे होते हैं सारे पागल। और अभी हम नहाएंगे, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। तो मैं हमारे हमीरपुर का बहुत ही फेमस बेसन लेके आई हूँ, जिसकी तारीफ मतलब नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं, हमारे प्रधानमंत्री। पंडतन का बेसन है ये, पंडतन की हट्टी का बेसन। तो मैं ऊपर नीचे देके आती हूँ उनको, उसके बाद फिर आज आपको एक सरप्राइज शेफ से मिलाएंगे। दो शेफ हैं यहाँ पे जो खाना बनाएंगे। कल मैं बाल सुखाने गई है मेरे दोस्त, उनको भी खिलाऊंगी ये वाला बेसन। तब तक मैं दे आती हूँ ना, इसको भी खिलाओ, पी लो, टेस्ट करो बेसन और बताओ कैसा है। हम तो खाते ही हैं। मतलब बंदा देखने गुस्सा करे। गाइस तो आप देखिए हैंगर देखो कपड़े टंगाए हुए हैं उसपे। तो भी आ गई अपने बाल सुखा के। तो जुगाड़ लगा बेसन अच्छा और कस्टर्ड बहुत अच्छा। इसने कस्टर्ड मैं खा लिया। भूत बनी मिस भक्ति यार, मत दिखा। अच्छा मैं नहीं, मैं कितने रंगी वाला रहा, सुंदर लग रही, देख ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अब मैं इनको दिखाती हूँ गाइस। आज यहाँ पे दो बंदे आज मेरे किचन में पता नहीं तहस नहस कर दिया है किचन का। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं थक गई थी बहुत ज्यादा और कपड़े भी धोए सारे और वो उसमें डाले, छत पे डाले सूखने के लिए। तो अभी जस्ट फ्री हुए हैं और अभी हम खाएंगे खाना। देखो कितना, अगर ऐसे अच्छे भाई हों तब कभी कभी खुद, कभी कभी तो ये इरिटेट ही करता है पर कभी कभी ठीक हरकतें कर लेता है जिंदगी में। सबके भाई है ना, प्यार भी बहुत कर, क्या करूं, प्यार भी बहुत करता है मुझसे। दिल में तो आता है कि मार दूं पर क्या करूं, प्यार भी बहुत करता है मुझसे बेचारा मजनू भाई। चलो बनेगा तब बात दिखाती हूँ आपको। ये देखो गाइस, ये देखो, ये फोटोशूट हो रहा है तो देखो। तो अभी मैं सर्व कर रही हूँ मैगी। कल्पना ज्यादा भूख लगी है, कोई स्पून वाला भी है क्या? तारीफ तो बहुत होती है। मुझे मत डाल। क्यों? चार बंदे हैं, थोड़ी थोड़ी आएगी, सबसे बराबर। मैं नहीं, आपको ज्यादा डालेंगे, इतनी देर खाएंगे, मुझे पता है ना। खुद की मैगी की तारीफ करो। अच्छी है। कुछ पहले लग गया पता। थोड़ा अभी आप शाही पनीर खाना जरूर बुलाना किसी दिन दावत पे। लो मैं बता दी जल्दी कैसी बनी है। ऐसी मैगी नहीं खाई जिंदगी में, आ जाओ बहुत अच्छी बनाई। बढ़िया, मैं वैसे भी बहुत घट खाती हूँ। बीपी पेशेंट ही नहीं कसम से।
टेस्टी है। बात तो है, कुछ कुछ तो बात है। कैसी बनाई मेरे भाई ने? टैलेंट है कुछ तो नहीं है, बहुत टैलेंट है इसमें, ऐसे मत बोलो। कुछ टैलेंट है, बहुत नहीं कह सकते। तो गाइस हमने मैगी मैगी खाने के बाद चाय पी थी, जो कि बहुत अच्छी बनाई थी, उसको क्लिप लेना है ना। पर अब मैं जा रही हूँ, बाय गाइस। जा रही गाइस, नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। इधर इसी पिक बिजी आ रही है, हमें छुट्टी चाहिए। आई मिस यू सो मच। बस तो भी जा रही है तू, इतने जल्दी भाग भाग क्या करूँ, जाना पड़ेगा। इसको फोन आ रहे हैं ना, रख सकता। देखियो मेरे है क्या, मलकल के आए सुन दिन दो टेंशन, और ये इनको छोड़ने जा रहे हैं। आपकी चाय बहुत अच्छी है, आपकी चाय बहुत अच्छी है। हम अच्छे हैं बहुत। पागो मेरा पावनर है। चलो बाय गाइस, ज्यादा ज्ञान निबंधन की कोशिश मत कर। बाय कल्पना, बाय। तो फ्रेंड्स मेरे फेस पे रेड रेड निशान आ गए हैं और मेरे फेस पे बहुत जलन हो रही है, इसलिए मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ मित्तू के साथ दवाई लेने के लिए, क्योंकि रात को कुछ ज़्यादा ही तकलीफ हो जाएगी और ये ख़त्म नहीं हो रही, जलन कब से हो ही रही है। तो अभी जा रहे हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं डॉक्टर। चलो, तो अभी मैं आ चुकी हूँ दवाई लेके, और मैंने अपने फेस पर लगाया है कोकोनट ऑयल। अभी मैं खा रही हूँ दवाई। इसमें मुझे उन्होंने एक सिट्रोजिन दी और एक शायद कोई और दवाई दी है, तो अभी उन्होंने मुझे बोला कि जस्ट नारियल तेल लगाओ और दवाई खाओ, इससे ठीक हो जाएगा। और अभी हम कस्टर्ड खाएंगे। कस्टर्ड का नाम कस्टर्ड क्यों, कुछ और क्यों नहीं होना था? और होना चाहिए था कस्टर्ड स्वीट। हाँ ला रहे हो? तो अब मुझे थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, दवाई मैंने खा ली थी उसके भी बाद में थोड़ी देर मैंने रेस्ट करी, अभी मैंने बना लिया है आलू मटर की सब्जी और रोटी रोटी खाए जा रहे हैं हम दो दिनों से। तो अभी मेरे राइस बन रहा है इसके साथ, बस खाना तैयार है, डिनर। और इधर देखो क्रिकेट लवर, मेरे भाई को क्रिकेट इतना पसंद नहीं है, बट ये अभी जल्द ही करोड़पति बन जाएगा तो फिर, है ना, इसीलिए देख रहे हो ना। ऐसे हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है क्रिकेट में, है ना, लोगों में इंटरेस्ट है और जीतते वही लोग हैं जिनको इंटरेस्ट कम होता है। तो किस किस को इंटरेस्ट कम है बताओ, इंटरेस्ट वाले तो बहुत होंगे, जिनको कम है वो बताओ। कौन सी टी शर्ट पहनी है आपने, अंधेरे में चमकती है ये? हाँ बहुत टी शर्ट चमकती है गाइस। ओके गाइस, तो रिव्यूज दीजिए अपने अपने। बहुत टेस्टी, वेरी गुड। पिकलू जी बोलिए कुछ, कैसा लगा आपको? अच्छा, चलो बढ़िया फिर। और साथ में ये दही मिल रही है जो आंट मिल रही है इनको, और टेस्ट कुछ लगती है। वाव, मैं जिंदगी में नहीं खाया इतने टेस्टी दही मिल रहे, सही में नहीं खाया। क्या बात है, थैंक यू आंटी जी इतने टेस्टी दही बल्ले खिलाने के लिए, नहीं तो हम लुफ्त नहीं खा पाते। तो अभी आज मित्तू ने बहुत कम सब्जी ली है, बहुत कम राइस लिए हैं, डाइटिंग पे हैं। कैसा बना? वाह, अमेजिंग। और मैंने तो बहुत सारा ले लिया है सब्जी, ज़्यादा है इसमें सब्जी, और ले रहे सब्जी तो ले लिया पिकलो, बतेरी सब्जी। तो अभी गाइस दवाई मैंने खा ली और अभी हम सोने जा रहे हैं। तो आज का ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, होप्स आपको पसंद आया होगा। अगर आपको व्लॉग्स पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।